नमस्कार, मैं विवेक रोगरा, आप देख रहे हैं प्राइम एक्टिव न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों पर। दौसा के संत सुंदर दास राजकीय महिला महाविद्यालय की छात्राओं ने छात्र संघ कार्यालय उद्घाटन के विवाद के चलते कॉलेज के गेट पर धरना दे दिया। इस दौरान छात्राओं ने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। धरना दे रही छात्राओं का आरोप है कि कुछ छात्र पदाधिकारी राजनीतिक लोगों को बुलाकर कॉलेज के छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन कराना चाहते हैं, जबकि वे उनके माता पिता के छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन कराएंगे। दौसा से दीपक सैनी की रिपोर्ट। परसों तक इस बात पर सहमत थी कि उच्च शिक्षा मंत्री से हम छात्र संघ उद्घाटन समारोह कराएंगे। इसी संदर्भ में उच्च शिक्षा मंत्री से समय लिया गया, उन्होंने तिथि भी दे दी और समय भी दे दिया। कल उनकी तरफ से ये बात आई कि हम सहमत नहीं हैं, सहमत नहीं है उसी बात को लेकर आज ये गेट पर बैठ गई है। कहना है कि हम हमारे माता पिता से कराना चाहते हैं। अब परसों उन्होंने सहमति दी थी, आज ही इन्होंने अपनी सहमति चेंज कर ली है। अब परामर्शदाता मंडल के साथ ही अपनी मीटिंग कर लेंगी, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। प्रोग्राम तभी होगा जब चारों पदाधिकारी सहमत हों। ये छात्रों का प्रोग्राम है, कॉलेज प्रशासन का प्रोग्राम नहीं है, छात्राओं के लिए प्रोग्राम होता है। छात्राएं चारों पदाधिकारी सहमत होंगे तब ये अच्छी तरह से प्रोग्राम हम करेंगे। ये जानकारी तो मुझे नहीं है कि ये किसी के इशारे पर कर रहे हैं। तो बच्चियां हैं, हो सकता है किसी की मान भी ले, पर इस बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं। मैम आपका नाम? मेरा नाम संतोष गढ़वाल है।